हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि अदिति क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 से लेकर 11 नवंबर 2030 का करंट अफेयर। यानी कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। और इस वीडियो के माध्यम से जितना भी आपका एक हफ्ते का इम्पॉर्टेंट कंटेंट रहता है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो बिना देरी करें वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पूछा है कि जो RBI है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये कौन नियुक्त हुए हैं। तो सही आंसर है मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड मनोरंजन मिश्रा एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। एंड RBI की अगर हम बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट ये हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 में। कौन से एक्ट के तहत हुई थी? तो अंडर द एक्ट ऑफ RBI Act 1934। यानी कि देखिए, एक्ट आया था 1934 में और RBI ये बनकर तैयार हुआ था 1935 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई में है और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं इनका नाम है शक्तिकांत दास। तो ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI ये बने हैं मनोरंजन मिश्रा। अगला प्रश्न है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सर्वेरियर जनरल ऑफ इंडिया। ये पूछा है आपसे कि भारत का नया महासर्वेक्षक ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, भारत का नया महासर्वेक्षक ये नियुक्त हुए हैं हितेश कुमार एस मकवाना, ऑप्शन नंबर सी। इमेज में आप देख सकते हैं यही है हितेश कुमार एस मकवाना जिन्हें चुना गया है भारत का नया महासर्वेक्षक। देखिए, रिसेंटली सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑफिसर हैं, नाम है इनका हितेश कुमार एस मकवाना, इन्हें ही अपॉइंट किया गया है न्यू सर्वेरियर जनरल ऑफ इंडिया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, विच कंट्री हैज़ बिकम द 95th मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका 95th यानी कि 95वां मेंबर ये कौन सा बना है? तो ये बना है चिली, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो चिली है ये बना है अभी ISA का 95th मेंबर। अब देखिए, चिली इसका सही आंसर है। तो जान लेते हैं चिली के बारे में, जिसकी कैपिटल ये है सेंटियागो। यहाँ के प्रेसिडेंट तो ये है गैब्रियल बोरिक और करेंसी जो यहाँ पर यूज़ होती है ये है आपकी चिलियन पीसो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट। कि जो श्री सोमनाथ ट्रस्ट है इसके अध्यक्ष ये कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, नाम है इनका नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जो है वो चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट ये चुना गया है और ये अगले 5 सालों के लिए चुने गए हैं, ये भी ध्यान रखना। देखिए, नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट, जो कहाँ पर है? गुजरात में है, और वो अगले 5 सालों के लिए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हु विल लॉन्च वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म रिसेंटली। अभी हाल ही में किसने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो देखना, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है NMC ने, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जो है वो डॉक्टर्स के लिए है बेसिकली, और लॉन्च बाई नेशनल मेडिकल कमीशन। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली सबको पता चले, यानी कि टू अलाउ द पब्लिक टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी डॉक्टर विच इज़ वर्किंग इन इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत में काम करने वाले किसी भी डॉक्टर की अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो हमें आसानी से मिल जाएगी। तो उसी के लिए ये जो है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेगा NMC। फिर हु बिकम द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से संबंधित है। तो देखिए, देश में मुख्य सूचना आयुक्त ये बने हैं अभी हाल ही में हीरा लाल समारिया, ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, द इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश इन 2005 अंडर द एक्ट ऑफ RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। और हेडक्वार्टर की बात करें तो ये इसका दिल्ली में है। फिर हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद केरला ज्योति अवार्ड 2023।
कि केरला ज्योति अवार्ड से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित हुए हैं केरल से टी पद्मनाभन, ऑप्शन नंबर जो बी है अब यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए फेमस राइटर है टी पद्मनाभन, उन्हें ही ऑनर्ड किया गया है केरला ज्योति अवार्ड से। और अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है स्टेट का जो मिला है किसको, पद्मनाभन को, किसके लिए मिला है, जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है मलयालम लिटरेचर में। तो ध्यान रखना केरला ज्योति अवार्ड ये मिला है टी पद्मनाभन को। अगला प्रश्न है आपका, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है, यानी कि किस देश के प्रधानमंत्री ने जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये है कहाँ के, ये है पुर्तगाल के। ये इमेज में देख सकते हैं ये है एंटोनियो कोस्टा, जिन्होंने भी हाल ही में अपने पुर्तगाल में जो प्राइम मिनिस्टर थे उसकी पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सही आंसर है पुर्तगाल, तो जान लेते हैं कैपिटल जो कि है लिस्बन, करेंसी यूज़ होती है यूरो, और यहाँ के प्रेसिडेंट तो ये है मार्सेलो रोबेला डी सोसा। अब यहाँ से आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर आप पुर्तगाल का नाम सुनते हो तो आपको यूरोपियन कंपनीज़ याद आती हैं। तो देखिए सबसे पहले भारत में आने वाले और भारत से सबसे बाद में जाने वाले ये कौन थे, ये पुर्तगाल ही थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और भारत से समुद्री मार्ग की खोज जिसने की थी वो लोग भी यहीं से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है, वेयर विल द 2+2 टॉक्स बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया बी हेल्ड इन नवंबर 2023। तो वहाँ पे पूछा है आपसे कि अमेरिका और इंडिया के बीच में जो 2+2 वार्ता है ये कहाँ पर आयोजित होगी, तो ये आयोजित होगी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 2+2 मीटिंग होती क्या है, तो 2+2 मीटिंग जो एक तरीके से एक फॉर्मेट है जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर साथ में बैठते हैं तो वो कुछ स्ट्रैटेजिक चीज़ों पे, कुछ सिक्योरिटी इशू पे बात करते हैं। और अभी हमारे जैसे इंडिया के साथ जो 2+2 मीटिंग होती है वो बेसिकली चार मेजर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं जिनमें नाम आता है US का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, रशिया का। और अभी जो ये 2+2 मीटिंग हो रही है ये हो रही है US और इंडिया के बीच में, ठीक है। और इसमें जो बात करने की उम्मीद बता रहे हैं वो शायद से आप कह सकते हैं कि जैसे हमास के ऊपर ये युद्ध, मतलब सॉरी इसराइल और हमास के बीच का युद्ध कह सकते हैं, इस पर डिस्कशन होगा। और इसके अलावा यूक्रेन और ये रशिया का वॉर अभी तक कंटिन्यू है उसमें उसका डिस्कस हो सकता है, क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कस हो सकता है। तो बहुत जो मेजर इशू होते हैं ना उनके ऊपर इन पर चर्चा की जाती है। फिर वेयर द इंडियन नेवी शेलिंग चैम्पियनशिप विल बी ऑर्गेनाइज, तो सही आंसर है इसका मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। कि देखिए भारतीय नौसेना सेलिंग चैम्पियनशिप का आयोजन ये कहाँ किया गया है या फिर कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर इंडिया स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग 26 राफेल मराइन जेट्स फ्रॉम विच कंट्री, तो देखिए अगर हम बात करें 26 राफेल समुद्री जेट की, तो अभी भारत ये किससे खरीदने वाला है, तो ये खरीदने वाला है फ्रांस से, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू बाय 26 राफेल सी जेट्स फ्रॉम फ्रांस एंड इंडिया विल बाय दीज 26 राफेल मराइन जेट फ्रॉम फ्रांस डसॉल्ट एविएशन कंपनी, तो इस कंपनी का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और किसके लिए यूज़ होंगे, तो ये होंगे इंडियन नेवी के लिए, हम इनको खरीदेंगे। फिर पेरुनलल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो देखिए अगर हम बात करें पेरुनलल उत्सव ये हर साल किस राज्य में मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है केरला में, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए ये केरला इसका सही आंसर है, तो जान लेते हैं इसके बारे में, जिसकी कैपिटल है त्रिवनंतपुरम, सीएम है यहाँ की पी विजयन और गवर्नर तो ये है यहाँ की आरिफ मोहम्मद खान। फिर विद विच नेबरिंग कंट्री भूटान डिड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड रिजॉल्विंग द बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी कि भूटान ने किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की है, तो ये शुरू की गई अभी हाल ही में भूटान के द्वारा किसके साथ, चाइना के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए भूटान जो है बेसिकली इंडिया का बहुत अच्छा नेबरिंग कंट्री है और ये दो कंट्री से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, इधर है आपका इंडिया और एक तरफ है चाइना। तो चाइना और भूटान के बीच में पहले कोई रिश्ते नहीं थे, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन कोई नहीं था, लेकिन अब जो है ये दोनों अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टैब्लिश करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना सही आंसर है इसका चाइना। भूटान की अगर हम बात करें तो कैपिटल है थिम्पू, मुद्रा है यहाँ की निगुलट्रम और किंग जो है यहाँ की जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है।
इसके अलावा चाइना से भी आप याद रख सकते हैं कैपिटल एस की बीजिंग, और यहाँ के प्रेसिडेंट तो ये हैं जी जिनपिंग। फिर हु हैज़ बिकम द मैन सॉरी हु हैज़ इनॉग्रेटेड द मैन्युफैक्चरिंग शो। देखिए मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन ये किसने किया है, तो ये किया है हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर, नाम है इनका राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए। देखिए रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो इन बेंगलुरु कर्नाटक, और थीम इसकी क्या थी, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है विद वूम द इलेक्शन कमीशन साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट इलेक्टोरल लिटरेसी, यानी कि चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये समझौता किया है बेसिकली शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बेसिकली जो इसका उद्देश्य है वो यही है, यानी कि इट्स एम टू इंक्लूड वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल लिटरेसी इन द करिकुलम फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 इन ऑल स्कूल्स, यानी कि जितने भी 6 से लेकर 12वीं क्लास तक जितने भी स्कूल्स हैं, मतलब जितने भी कक्षा हैं, मतलब 6 से 12वीं तक, उन सभी में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना। एट प्रेजेंट जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। फिर रिसेंटली द बुक जिसका नाम है सिंधिया एंड 1857 रिटन बाय होम, ये किसके द्वारा लिखी गई है, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है, तो ये हुई है राकेश पाठक के द्वारा लिखी गई, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बेसिकली ध्यान रखना कि ये बुक से संबंधित प्रश्न जो है पूछ लेते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम से। फिर व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल आयुर्वेदा डे 2023, तो देखिए नेशनल आयुर्वेदा डे की जो थीम थी, यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस की थीम, तो ये थी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हर साल जो है धनतेरस के दिन धनवंतरी जयंती पर हम इसको मनाते हैं, और इस बार इसकी थीम रखी गई थी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। फिर आपका प्रश्न है रिसेंटली द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ ऑर्डर्ड द फॉर्मेशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि किस देश के हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है, तो सही आंसर है इसका गोवा, ऑप्शन नंबर डी। फिर इन विच सिटी रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज रिसेंटली, देखिए बेसिकली अभी रन फॉर यूनिटी जो प्रोग्राम है ये कौन से शहर में हुआ है, तो ये हुआ है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर वैन वॉज वर्ल्ड टूरिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, तो देखिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस तो ये अभी हाल ही में मना है 5 नवंबर को, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th of November एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड विद द एम दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर फ्यूचर डिजास्टर सो दैट मोर एंड मोर लाइफ्स कैन बी सेव्ड। बेसिकली इस दिन हम जो है डिजास्टर से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करते हैं और लोगों के बीच में अवेयरनेस ये फैलाते हैं। फिर रिसेंटली विद स्टेट विल बिल्ड 8 लाख हाउसेस फॉर द होमलेस अंडर अबुआ आवास योजना, यानी कि बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर ये बनाए जाएंगे किस राज्य सरकार के द्वारा, तो ये बनाए जाएंगे झारखंड की सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो सी है अब यहाँ पर याद रखेंगे। बेसिकली जो झारखंड है ये ही स्कीम लेके आया है जिसका नाम है अबुआ विकास योजना, और इसी के तहत ये बेघरों के लिए 8 लाख हाउस यानी कि 8 लाख घर जो है ये बनाएगा, तो सही आंसर है झारखंड। जान लेते हैं झारखंड के बारे में, जिसकी राजधानी है रांची, जहाँ से बिलोंग करते हैं महान क्रिकेटर, नाम है इनका MS धोनी। चीफ मिनिस्टर तो ये हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर तो ये हैं CP राधाकृष्णन, तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हु रिसेंटली वॉन द 2023 बेलन डी ओर अवार्ड। देखिए बेलन डी ओर अवार्ड ये जो है दो लोगों को मिला है, एक फीमेल कैटेगरी में और एक मेल कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो ये मिला है एटानिया बोनमती को, और मेल कैटेगरी में ये मिला है लियोनल मेसी को, और लियोनल मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। विच स्टेट स्टूड फर्स्ट इन आज़ादी के अमृत महोत्सव एंड मेरी माटी मेरा देश अभियान। देखिए अभी हाल ही में जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है यह आपसे पूछा है, तो पहले स्थान पर है गुजरात, ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए रिसेंटली टॉप स्टेट्स और यूटी जो हैं और मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको फैसिलिटेटेड किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरे देश प्रोग्राम के लिए, और गुजरात जो है वो स्टेट्स में टॉप पर है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यूटीज़ में वो टॉप पर है, और अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्रीज़ में
तो टॉप पर है आपका विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फिर आपका प्रश्न है व्हेन वाज इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे इज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। देखिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये मनाया गया है, तो आपसे पूछा कब मना है, तो ये मना है 3rd of November को, ऑप्शन नंबर पी। ऑन 3rd November द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व अ डे विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनेस्को ड्यूरिंग द 41st जनरल कॉन्फ्रेंस 2022। देखिए बेसिकली 3 नवंबर को हम मनाते हैं क्या इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, और इस बार ही दूसरी बार मना है क्योंकि 2022 में पहली बार इसको मनाने की घोषणा की गई थी। फिर हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। देखिए अभी हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है हमारे देश के सेंट्रल बैंक जिसका नाम है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए रिसेंटली द RBI हैज़ ऑनर्ड विद चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, एंड इसको क्यों मिला है तो RBI ने जो अपना बहुत अच्छा काम किया है ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक, तो इसीलिए इसे ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इज हेल्ड। देखिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का जो दूसरा संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 द सेकेंड एडिशन ऑफ द मेगा फूड इवेंट वॉज हेल्ड ऑन नवम्बर 2023 एट भारत मंडपम इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। इनॉग्रेशन ये किसने किया है, तो ये किया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, नाम है इनका नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है टिल व्हेन पीएम मोदी अनाउंस टू एक्सटेंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि अभी हाल ही में देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार ये कब तक करने का ऐलान किया है, तो ये ऐलान किया है 2028 तक का, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए पहले जो है ये इस साल के अंत में ख़त्म होने वाली थी 2023 में, शुरुआत इसकी हुई थी 2020 में जब कोरोना चल रहा था, और अब जो है बेसिकली 5 साल के लिए इसको बढ़ा दिया, तो हो गया है टाइम 2028। दिस स्कीम वॉज टू एंड एट द एंड ऑफ दिसंबर 2023, नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें, लॉन्च किया था 2020 में, और ऑब्जेक्टिव था अंडर दिस स्कीम द सेंटर प्रोवाइड्स 5 kg फ्री राशन टू पुअर एवरी मंथ। फिर हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू बी टाइम्ड आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज ये कौन बने हैं। तो देखिए काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है और काफ़ी ये न्यूज़ में भी था, तो ध्यान रखना ये जो पहले बैट्समैन बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से टाइम आउट होने वाले ये बने हैं एंजेलो मैथ्यूज़, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है विच सिटी बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखिए अगर हम बात करें मोस्ट पोल्यूटेड सिटी की जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है डेटा, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे प्रदूषित शहर है ये है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बेसिकली जो है अभी लिस्ट जारी की गई है, अगर हम टॉप 5 कंट्रीज सिटीज़ की बात करें तो उसमें से जो 3 हैं वो हमारे ही देश से बिलोंग करती हैं, जिसमें दिल्ली सबसे टॉप पर है, फिर है कोलकाता एंड देन मुंबई। लेकिन द लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिलीज्ड एंड दिल्ली इज एट फर्स्ट प्लेस इन दिस लिस्ट, और सेकंड पर है लाहौर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है अगर हम बात करें 5 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ की, तो 3 की अपने भारत में है। फिर वैन नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। देखिए अगर हम बात करें नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की, तो अभी हाल ही में ये मना है 7 नवंबर को, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये मना है 7 नवंबर को, और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ठीक है यानी कि पहले ही डिटेक्शन के बारे में पता चल जाए, उसके ट्रीटमेंट और उसकी डायग्नोसिस, इन सब की अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है हर साल 7 नवंबर को। फिर हु हैज़ बिकम द बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो देखिए वर्ल्ड कप के जो वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, तो ये बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर प्लेयर, नाम है इनका ग्लेन मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए इनका आपने अगर मैच देखा होगा तो काफ़ी शानदार इनकी पारी रही है, नाबाद 201 रन के साथ,
और इसी के साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत को निश्चित करते हुए क्वालिफाई किया था किसमें वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। तो इनको चोट लगी थी और उसके बावजूद भी ये खेले और इन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई। और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि लास्ट में था, सारे प्लेयर ऑलमोस्ट आउट हो चुके थे और मात्र यही खिलाड़ी अच्छे जो आप कह सकते हैं बैट्समैन बचे थे वो यही थे, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ सीख सकते हैं कि अगर आपने ठान लिया कि आपको कुछ करना है तो आपके पास कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी सिचुएशन हो, आप उसको आराम से कर लेंगे। क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोग होते हैं कि प्रॉब्लम्स को नाम लेके ना अपनी मतलब काम को पीछे डालते रहते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया था, आपने देखा होगा कि पैर चोटिल था, क्रैम्प्स आ रहे थे, बट स्टिल इसने जो है अपनी टीम को, अपने देश को जीत दिलाई है। तो वैसे ही आप सब भी कर सकते हैं, आपको हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ सीखिए कि आपको किसी भी परिस्थिति के सामने झुकना नहीं है और अपनी पढ़ाई को हैम्पर बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस तरीके से आप मेहनत करते आए हैं वैसे ही मेहनत कीजिए और डेफिनेटली आप सब जो है एक दिन अच्छे मुकाम पे, जहाँ जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो मैं विश करती हूँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। तो ये है, विच प्लेयर वॉन द पेरिस मास्टर्स टाइटल इन लॉन टेनिस। तो देखिए, पेरिस मास्टर्स टाइटल की बात करें तो ये जीता है नवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नवाक जोकोविच ये प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है पेरिस मास्टर्स टाइटल। स्टार टेनिस प्लेयर है नवाक जोकोविच, जो कि बिलोंग करते हैं सर्बिया से। इन्होंने ही जीता है पेरिस मास्टर्स कौन सी नंबर बार, यह है सातवीं बार। वेस्ट्रीम वॉन द टाइटल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। तो देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किसने जीती है, तो ये जीती है पंजाब ने पहली बार। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, रिसेंटली पंजाब टीम वॉन द टाइटल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, उसके लिए खेली जाती है और T20 फॉर्मेट में ये होती है, जिसका आयोजन ये करता है BCCI। BCCI जिसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरमैन तो ये हैं रोजो बिन्नी। अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इशूड एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो देखिए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश अभी किस राज्य सरकार ने जारी किया है, तो ये किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। तमिलनाडु की बात करें, कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर तो ये हैं MK Stalin और गवर्नर तो ये हैं RN Ravi। फिर नाटो हैज़ फॉर्मली सस्पेंडेड द कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ट्रीटी, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो। तो देखिए, अभी हाल ही में शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित किया है, किसने, नाटो ने। तो यहाँ से पूछा है आपसे नाटो का मुख्यालय, तो नाटो का मुख्यालय ये है आपका कहाँ पर, ब्रसेल्स में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। बेसिकली नाटो जो है वो 31 कंट्रीज़ का एक अलाय है और ये जो कन्वेंशन हुआ था ऑन आर्म्ड फोर्स यूरोप में, ये 1990s में बहुत काफ़ी सारे देश ने तभी साइन कर दिया था। नाटो की बात करें, फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी यानी कि एस्टैब्लिशमेंट 1949 और हेडक्वार्टर ये है बेल्जियम के ब्रसेल्स में। फिर वेयर वॉज चाणक्य रक्षा संवाद 2023 ऑर्गेनाइज रिसेंटली, कि चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन ये कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन ये अभी हाल ही में किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, चाणक्य रक्षा संवाद 2023 वॉर ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली इन नवंबर 2023। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जगदीप धनगढ़, उन्होंने एक एड्रेस ये रिलीज मतलब उन्होंने इसको एड्रेस किया है और इसमें क्या किया जाएगा, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि AI, रोबोटिक्स, क्वांटम, सेमी कंडक्टर, बायोटेक, ड्रोन्स, हाइपरसोनिक्स, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। फिर है, हु वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी एशियंस चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023, यानी कि महिला हॉकी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब ये किसने जीता है, तो ये खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम है जिसने भी हाल ही में जापान को हरा कर ये टाइटल अपने नाम किया है और ये इवेंट हो रहा था रांची झारखंड में। फिर है, हाउ मैनी इंडियंस हु एंटर्ड द US इललीगली वर अरेस्टेड फ्रॉम अक्टूबर 2022 टू सेप्टेम्बर 2023। यानी कि अक्टूबर 2022 से लेके अगर हम बात करें सितंबर 2023 तक की, तो कितने ऐसे इल्लीगल व्यक्तियों को हमने चुना है जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, तो इनकी कुल संख्या है 96,917। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अकॉर्डिंग टू द US कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा,
96917 इंडियंस हु एंटर्ड द यूएस इलीगली वर अरेस्टेड फ्रॉम अक्टूबर 2022 टू सितंबर 2023। अब ये कहाँ पर पकड़े गए हैं, तो देखिए जो ये टोटल मेंबर इंडियन हैं इसमें से 30,010 जो हैं वो यूएस कनाडा बॉर्डर पर, और इसके अलावा जो 41,770 हैं ये पकड़े गए हैं यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर। अगर आप कुछ याद करेंगे यूएस का मैप तो ऐसे मतलब सही से तो नहीं बना, लेकिन यहाँ पे आपका यूएसए होगा, इसके ऊपर आपको कनाडा देखने के लिए मिलेगा और नीचे आपका मेक्सिको। ठीक है, यहाँ पर जो रिवर है वो है कौन सी, रियो ग्रैंडे, जो कि यूएसए और मेक्सिको के बीच में है। वहीं बात करें यूएसए और कनाडा के बीच में, तो यहाँ पे एक तो 49th पैरेलल लाइन आपको ध्यान रखनी है, और दूसरा जो यहाँ पर रिवर है वो है आपकी सेंट लॉरेंस। ठीक है, फिर है विच स्टेट गवर्नमेंट विल कंडक्ट काउ सेंसस रिसेंटली, कि गाय जनगणना ये कौन सी सरकार कराएगी, तो गाय जनगणना ये कराने वाली है सरकार उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। यूपी की बात आई है तो कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर तो ये योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और लोकसभा सीट ये है 80 और राज्यसभा तो ये है 31। फिर है विच स्टेट रिसेंटली रिसीव द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड ये किसने जीता है, तो ये जीता है केरल ने। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए केरल रिसीव ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 फॉर प्रमोटिंग द सस्टेनेबल एंड वुमेन इंक्लूसिव इनिशिएटिव। केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन रिसीव द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। केरला की बात करें कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर तो ये हैं पिनरई विजयन, गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। फिर इंडिया विल ओपन अ न्यू कंसोलेट इन विच सिटी ऑफ अमेरिका, तो देखिए अभी भारत जो है अपना नया वाणिज्य दूतावास ये खोलेगा सिएटल में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इंडिया विल ओपन अ न्यू कंसोलेट इन सिएटल यूएसए, प्रकाश गुप्ता जो है वो नए कौंसल जनरल होंगे इस मिशन में। और यूएस कौंसिलेट अगर हम बात करें तो ये अभी कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कोलकाता और मुंबई में है। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ बिकम द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रूलिंग फीमेल हेड ऑफ अ स्टेट, तो ये है शेख हसीना जो बिलोंग करती हैं बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेजिडेंट तो ये हैं शहाबुद्दीन चुप्पू जो अभी रिसेंटली बने थे, और प्राइम मिनिस्टर तो ये हैं शेख हसीना। विच मेडल हैज़ द इंडियन हॉकी टीम वॉन इन सुल्तान जोहर कप 2023, तो ये मेडल जीता है कौन सा भारत ने, कांसे। ऑप्शन नंबर सी। देखिए सुल्तान जोहर कप अगर हम बात करें तो एक हॉकी टूर्नामेंट है जिसका इवेंट ये हुआ था मलेशिया में आयोजन, एडिशन था 11th नंबर का, टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर जीता है ब्रॉन्ज मेडल। फिर वेयर हैज़ द 7th गंगा उत्सव बीन ऑर्गेनाइज, तो 7th गंगा जो उत्सव है ये बनेगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए 7th एडिशन जो है गंगा उत्सव का ये ऑर्गेनाइज होगा नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन इन न्यू दिल्ली। ऑब्जेक्टिव इसका टू टेल पीपल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर एंड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिवर्स। दिल्ली की बात करें तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, LG हैं यहाँ के विनय कुमार सक्सेना। फिर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे हम कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 8 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी। थीम आपको ध्यान रखनी है ये है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। विच स्टेट टॉप द रिसेंटली कंक्लूडेड 37th नेशनल गेम्स, तो देखिए जो अभी हाल ही में 37वां राष्ट्रीय खेल समाप्त हुआ है तो उसमें टॉप पर कौन है, तो उसमें टॉप पे था महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 37वें नेशनल गेम्स की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में गोवा में ये कंक्लूड हुए हैं 9th नवंबर को। क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी में, महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया है। और जो अगले साल होंगे अगला एडिशन ये होगा आपका उत्तराखंड में। फिर आपका प्रश्न है विच टिप ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ बीन डी कमीशनड रिसेंटली, तो ये जो अभी हाल ही में डी कमीशनड किया गया एक शिप को इसका नाम है क्या, इसका नाम है संग्राम। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय तटरक्षक बल की बात कर लेते हैं, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1977, हेडक्वार्टर है दिल्ली, प्रेजिडेंट तो ये है राकेश पाल। फिर है हु हैज़ रिलीज्ड द एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये जारी करता है कौन, UNDP। ऑप्शन नंबर ए। देखिए UNDP की अगर हम बात करें तो ये एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को इशू करता है, रिलीज करता है। और UNDP वॉज एस्टैब्लिश बाय UN जनरल असेंबली इन द ईयर ऑफ 1965 एंड स्टार्टिंग फंक्शनिंग एक्टिवली इन जनवरी 1966। इंडेक्स जो है वो बेसिकली UNDP जो अदर इंडेक्स रिलीज करता है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है,
जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। फिर है, विच शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट रिसेंटली? तो देखिए, अभी हाल ही में इंडिया ने जो है प्रलय नाम की एक जो है बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। कहाँ से किया है? तो ये किया है अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा के कोस्ट से, और सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है जिसकी रेंज है 350 से 500 किलोमीटर के बीच में। डीआरडीओ ने विकसित किया है, जान लेते हैं। डीआरडीओ एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1958, हेडक्वार्टर दिल्ली में, और चेयरमैन ये है समीर कामत। विच पोर्ट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट पोर्ट ऑन इंडिया टू हैंडल 16.1 मिलियन टन ऑफ कार्गो? तो देखिए, अभी हाल ही में भारत ने जो है एक पोर्ट ऐसा है भारत में जिसने 16.1 मिलियन टन जो है वो कार्गो का उसको संभाला है। तो सही आंसर है इसका मुद्रा पोर्ट, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। तो देखिए, द फ्लैगशिप मुद्रा पोर्ट ऑफ अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज़ अचीव्ड नोटेबल अचीवमेंट इंक्लूडिंग हैंडलिंग मोर देन 16.1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्गो इन अक्टूबर 2023। अब देखिए, ये 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए करंट अफेयर के, जो कि आपका वीकली के थे। सभी इंपॉर्टेंट जो वीकली कंटेंट है वो आपके साथ डिस्कस हुआ है। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना जो भी फीडबैक है ये भी आप मुझे दे सकते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 प्रश्न, जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला है आपका, हु बिकम द CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और दूसरा है आपका कि बेलन डी ओर अवार्ड ये किसने जीता है। जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। साथ ही में हमारे 2 PDF हैं, इनको भी आप परचेज करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें एक आपकी पॉलिटी की है और दूसरी आपकी करंट अफेयर की है। ये अपडेट कर दी जा चुकी है और लास्ट 10 महीने की करंट अफेयर आपके पास ही अवेलेबल होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।